हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। सो जो भी बच्चे रेगुलर कोर्सेज में पढ़ रहे हैं डिग्री पार्ट वन में, यानी अंडर ग्रेजुएशन में 2020 और 23 के सेशन में, उन सभी के लिए एग्जामिनेशन अपडेट आ गई है। अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी लिया जाने वाला है। देखो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी अभी एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट का पूरा विवरण दिया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किस सेक्शन में कितनी फ़ीस लगने वाली है। तो देखो, पूरी वीडियो ध्यान से देखो, तुमको पूरी बात पता चल जाएगी। डिग्री पार्ट वन रेगुलर सेशन 2020-23 के सभी संकायों में कला, विज्ञान एवं वाणिज्य यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों कोर्सेज में परीक्षा पत्र भरने की तिथि इस प्रकार दी गई है, बिना विलंब शुल्क के। अगर आप लेट फाइन के बिना फॉर्म भरेंगे तो आपको 16 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई 2021 तक फॉर्म भर देना है, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म भरने के दौरान किन बातों को ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कॉलेज जाना पड़ेगा कि नहीं, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, ये सारी डिटेल के लिए आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन के दौरान सारा डिटेल मिलता रहे, ठीक है। जल्द से जल्द मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल दूंगा कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब बात करते हैं, अगर आप लेट हो जाते हैं किसी कारण, मतलब 23 तारीख तक अगर आप फॉर्म नहीं भर पाते, तो 24 से 27 तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस दौरान अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 100 रुपये लेट फाइन के भी भरने पड़ेंगे अतिरिक्त। तो यानी कुल मिला के फीस का आप ब्यौरा देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर परीक्षा पत्र भरने का शुल्क निम्नलिखित है, बिना विलंब शुल्क के दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है कैटेगरी जनरल और BC2 की, दूसरी कैटेगरी SC ST और BC1 की। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी देख लेना। अगर आप बिना लेट फाइन के भरते हो तो 700 रुपये लगेंगे जनरल BC2 को और 500 रुपये लगेंगे SC ST और BC1 को। यही अगर आप लेट फाइन लगा के भरते हैं, मतलब अगर किसी कारणवश आप लेट हो गए और लेट फाइन भी आपके ऊपर जोड़ दिया जाता है, तो 800 रुपये और 600 रुपये इस दोनों कैटेगरी के अनुसार हो जाएंगे, यानी 100 रुपये दोनों कैटेगरी में ऊपर के लगेंगे, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बताया कि आगे मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है और किन बातों को ध्यान रखना है, कॉलेज जाना होगा या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, सारी चीज़ें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक डिसलाइक अपने हिसाब से कर लेना, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछना, मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।